आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ अरबी के पराठे। तो आप देख सकते हैं हमारे पराठे कितने अच्छे बने हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पत्ती, हरी मिर्ची, उबली हुई अरबी मैश्की हुई, मैंने डाला है रिफाइंड ऑयल, डालेंगे अजवाइन, और अब डालेंगे मैश्की हुई उबली अरबी। अब डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, डालेंगे नमक, और हाफ फ्राई होने तक इसको भूनेंगे ताकि हमारे सभी मसाले मिक्स हो जाएं। अब डालेंगे नींबू, कटी हुई हरी मिर्च और धनिया, इसको अच्छी तरह से कुछ देर के लिए चलाते रहेंगे। तो अब मैं स्टफिंग को प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने तक मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने मैदा सान के रख लिया था, जिसमें मैंने डाला था नमक और एक चम्मच रिफाइंड ऑयल, और मैं लोई को बनाकर अब मैं इसमें स्टफिंग भर दूँगी। और स्टफिंग भर के मैंने लोई बनाकर रख ली हैं। इसी तरह से सारी लोइयां बना लूंगी।
स्टफिंग भर के अब पराठे को हम बेल लेंगे। और अब सिकने के लिए डालेंगे तावे पर। अब लगाएंगे रिफाइंड ऑयल। तो आप देख सकते हैं पराठा कितनी अच्छी तरह से फूल गया है और बराबर की चित्तियां भी पड़ गई हैं। इसी तरह से हम दोनों पराठों को सेक लेंगे। पराठे को उलट देते हैं और अब लगाएंगे रिफाइंड ऑयल और चारों तरफ से चिकना लगाने के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी चिकना लगा देंगे। आप देख सकते हैं पराठे हमारे बनकर तैयार हैं। आप इसे चाय या खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये नई रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।